रोड ते जांदे होए इंसान नाल की भाणा वापर जावे कुछ नहीं पता लगता, पर एक इदां दी खबर तुहानूं दिखाउण जा रहे हां जिथे कि न्यू चंडीगढ़ दे जयंती देवी रोड दे उत्ते एक व्यक्ति सड़क दे उत्ते पिया सी। कुछ नौजवान जो दिसदा है, उस तो बाद साढ़े कॉल भी कॉल आती है क्योंकि अज एतवार होने करके ज़्यादातर असं भी घर तो बाहर नहीं सी, पर जो घर के नज़दीक यह भाणा वापर जाए तो मौके पर पहुँचना पिया तो एक व्यक्ति जिहड़ा मिलिया जिहड़ा उत्थे लवारस पिया सी। तो जिस तरीके की हालत नज़र आ रही है तो कोई अटैक भी लग रहा कि अटैक है ज कोई होर मामला है, तो इसको लेकर पुलिस भी मौके पर बुलाई हुई है। तो एंबूलेंस जी तस्वीर थोड़ा दिखा दी है तो पिछे करके तो मैं ये एंबूलेंस भी पहुँच चुकी है, ये पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है। ASI गुरनाम सिंह मुल्लांपुर पुलिस पहुँच चुकी है। तस्वीर जो जो दिखाई थोनों हाँ परिवारक मैंबर जो पहुंचे हुए उन्होंने गलबात करते हैं। बई जी किमें पता लगे इतने जरा कि यह जो थोड़ा रिश्तेदार कोई जो अटैक जाके हो मामा जी है जी मेरे ना तो वो फोन आया सीगा इतों की किसी राहगीर ने फोन किया आप आए हैं भी प्रॉब्लम तो सच कुछ नहीं सी बस एक डायबिटीज की दिक्कत सी बट हूँ इतने बाकी का हूँ जाके पता लगेगा हॉस्पिटल के नहीं कोई सट पेट नहीं सी शायद मोस्ट प्रॉब्लम अजक साइलेंट अटैक आते हैं शायद वो होएगा नहीं कार्रवाई तो इससे तो कोई कार्रवाई बनती नहीं हैगी। बिल्कुल तुम देखो कि जोड़े पुलिस मुलाजम भी ने एंबूलेंस वाले भी जो पहुंचे हुए हैं बई जी की कहोगे जो थोड़ा भी फोन करके हाँ जी सर सू कॉल आई से भी कोई परसन डिग गया जी शिंगाली वाला पिंड असी आके देखा जब मैं देखा उन्होंने चैक किया बॉडी बिल्कुल ठंडी सी मैं चैक किया ना पीपल डायलेटेड से तो इन्हों साइलेंट अटैक आया जो शुगर लो हो सकती कुछ भी ये बारे तो हम अगे वेर भाई पता लगेगा इन्हों असी हम डेड बॉडी इन्हों वारस आ गए बुला लिया जी इन्हों हम खरड़ सिविल हॉस्पिटल मोर्चे से रखा देंगे जी नहीं सर चोट का कोई निशान नहीं आया इन्हों साइलेंट अटैक होया जी तो जां शुगर लो हुई इन्हों का एंड स्पॉट डैथ हुई जी इन्हों बिल्कुल देखो कि मौके पर जोड़े पुलिस मुलाजमी पहुंचे हुए उन्होंने भी गलबात करते हैं कि सर जिहड़ा यह मामला सामने निकल के आया एक जो व्यक्ति जिहड़ा इत्थे पिया सी दस्या जा रहा कि अटैक होया की सी मामला तो थोड़े कोल किवें परमिशन आई 112 की कॉल सी कि इत्थे एक डेड बॉडी पई है आ के इत्थे वेख्या तो ये मतलब पर्स सीगा उहदे च प्रूफ सीगा इहदे आधार कार्ड वगैरह तो इन्हों के वारस नूं बुला लिया गया इत्थे पहुँच गए एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई सट सुट तो लगी नहीं हुई तो कोई अटैक वगैरह हो सकता जब हार्ट अटैक हो गया हाँ जी हूँ मोर्चरी खरड़ हॉस्पिटल सिविल हाँ जी बिल्कुल देखो तो मौके दस्वीर जो दिखाई है थोनों कि एंबूलेंस जी मौके पर बुलाई हुई सी इसनों लैके जोड़े नौजवान ने जिन्ह ने इतने काफ़ी देर खड़ के देखो इंसानियत भी सब तो बड़ी चीज़ होंगी है इंसानियत क्योंकि अज भी जिंदा है नौजवान काफ़ी देर इतने अद्धा पौना घंटा इतने खड़े रहे क्योंकि जो इदा लवारस कोई व्यक्ति होए जब अटैक होया जा की है मामला अच्छा चलो पुलिस तफ्तीश इसमें कर रही है पर भावें परिवारक मैंबरों वालों भी कहा गया कि शुगर की जी प्रॉब्लम से जिस करके कि साइलेंट जो अटैक है उसकी भी प्रॉब्लम जी करके जो लग रहा है कि जो इस तरीके की मौत हुई है। पर दूजे पास जोड़े नौजवान से उन्होंने भी पूछ लें कि काफ़ी देर उन्होंने खड़े से इतने उन्होंने तो भाई जी थोड़ा किमें पता लग्या तुम तो काफ़ी देर खड़े रहे इतने की असी एक्चुअली ना असी रास्ते तो आ रहे सी पिंड नूं जा रहे सी तां असी देखिया कि ये बंदा डिग्गिया होया काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई हुई सी तां उहदे करके असी रुके तां असी देखिया ते नब्ज चैक करी उहनां दी ढिड बॉडी पूरी ठंडी हो गई सी तां बॉडी ठंडी होने के कारण पता लग गया सी कि ये डेड हो गए ने फिर उहनां दी जेब चों मैं मोबाइल कढ़िया उहदे ते लॉक लग्गिया होया सी उह तां मैं कुदरतियों 1 2 3 4 5 6 करके खोलिया उह खुल गया ते उहनां दे जिहड़े नॉन ने उहनां नूं मैं बुलाया फिर वो मौके पर आ गए ने हुण उहनां दे हवाले असी उहनां नूं करता है तो असी एंबूलेंस नूं भी फोन करिया पुलिस वाले नूं भी फोन किया तो सारा कुछ हो गया सी पर लेकिन की वहीकल सी इन्हां कोल ते कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी हुई सी इन्हां कोल साइकिल ही सी ये इन्हां दे बिस्कुट है मूँह च बिस्कुट खाते हुए जा रहे सी अचानक इन्हां नूं कोई अटैक वगैरह आ गया इन्हें बॉडी भी दस रही है कि यह कमजोर सी कमजोरी के कारण वो करके इन्हां नूं हार्ट अटैक वगैरह या साइलेंट अटैक जिहड़ा हुंदा है वह आ गया वो करके ये बिल्कुल तुम देखो नौजवान इन्होंने भी काफ़ी देर अद्धा पौना घंटा देखो अच्छा कौन किसी पिछले खड़ता है पर जिसको लेके तुम देखो अज इंसानियत भी अज जिंदा है कि जिस तरीके नाल देखो राह जाते एक व्यक्ति को अटैक होंदा है तो रहने वाले कितने दे सी थोड़ा दस दो जी एक्चुअली मेठ रहने हैं फैमिली सारी मेठ है जी परिवार उ इतने किए थे आए थे कोर्ट केस चलते उस सिलसिले आए हुए थे तो अज कहते भी कल इन्होंने पटवारी को मिलने का प्रोग्राम से इन्होंने कोई अज कहते चलो मैं जयंती देवी मत्था टेक आना छुट्टी है संडे बंद से तो उस करके इधर आए थे सवेरे बेच करके साढ़े को
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜੈਂਤੀ ਹਾਂ ਜੈਂਤੀ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਵਾਰਸ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸਾਨ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਝੰਝਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਵੈਰੀਓ ਜੈਂਤੀ ਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇਹੀ ਸੀ ਆਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਂਤੀ ਦੇਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਮਬਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਵਾਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਅਤੇ